हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपनी इस यूट्यूब चैनल टॉपर गैलेक्सी में। तो भाई साहब, आज के इस वीडियो पे हम बात करेंगे वान डी ग्राफ जनित्र के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि यार ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आपको डायग्राम भी बनाने के लिए आता है और इसका आपको जो है संरचना बतानी होती है और इसकी जो कार्यविधि है, ठीक है, मेन आपका क्या है कार्यविधि, यानी कि जो है कैसे कार्य करता है और इसका उपयोग क्या होता है। मतलब ये जो मतलब देखिए, कोई भी चीज होती है अगर हम बनाते हैं तो उसका कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में उसका मतलब उपयोग भी होता है दैनिक जीवन में। तो मतलब यहाँ पर यह भी समझेंगे कि यह है क्या और इसको मतलब किसने बनाया और कब बना, मतलब कि कई सारी चीजें हैं, कई सारे क्वेश्चन इससे बनते हैं। तो सब कुछ हम जो है इस वीडियो में जो है कंप्लीट समझने वाले हैं। तो आप लोग इसको लास्ट तक जरूर से देखिएगा और देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार यह बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं, यहां पर आपके सामने यह डायग्राम है तो डायग्राम को भी समझेंगे एक एक करके। सबसे पहले यह जान लेते हैं कि आपका यह है क्या, ठीक है। तो देखिए यहां पर है कि वान डी ग्राफ जनित्र की सहायता से अति उच्च विभव, जो मतलब कि इसकी सहायता से क्या जो है बनाया जाता है, तो विभव बनाया जाता है, मतलब कि यहां पर जो है विभव उत्पन्न किया जाता है, जो कि आपका यहां पर कितना होता है 10^6 वोल्ट का होता है, इस कोटि का होता है, ठीक है। तो मतलब यहां पर है कि वान डी ग्राफ जनित्र की सहायता से अति उच्च विभव जो कि 10^6 वोल्ट की कोटि का होता है, इतना जो है उत्पन्न किया जा सकता है या उत्पन्न किया जाता है। देखिए इसके बाद है कि इस वोल्टेज का उपयोग विशाल वैद्युत क्षेत्रों में, ठीक है, इस वोल्टेज का उपयोग कहां पर होता है, तो विशाल वैद्युत क्षेत्र जो बड़े बड़े वैद्युत क्षेत्र होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आयन को त्वरित करने या मतलब उनसे जो है ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। मतलब यहां पर जो आपका ये होता है वान डी ग्राफ जनित्र, इसका क्या होता है, विशाल वैद्युत क्षेत्रों में जो है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आयन को त्वरित करके उनसे जो है ऊर्जा में वृद्धि की जाती है, इसके लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा यहां पर थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जो इसकी रचना है, ठीक है, मतलब कि यह जो बनाया गया था कब बनाया था, तो 1931 ईस्वी में जो है वान डी ग्राफ ने बनाया था। तो वान डी ग्राफ जो है एक वैज्ञानिक है और इन्हीं के नाम पर जो है ये मतलब कि इसका जो है नाम हो गया वान डी ग्राफ जनित्र, ठीक है। और यहां पर सन की बात करें तो 1931 भी है। तो यहां पर देखिए कई बार यह हो जाता है कि अलग अलग बुक्स में जो है अलग अलग रहता है, तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन में नहीं रहना है, आप लोग 1931 ही मानकर चले, ठीक है। तो इसमें आपको जरा भी कंफ्यूजन नहीं होना, क्योंकि यार कई बार जो है फिर कमेंट करने लगते हैं आप लोग कि भैया ये जो है आपका जो है गलत है, लेकिन देखिए क्या होता है अलग अलग बुक में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। तो मतलब आप लोग 1931 ही मानकर चलिए, यही आपका सही होगा, ठीक है। तो ये हमने जान लिया कि वान डी ग्राफ जनित्र है क्या, अब इसके बाद हम इसकी जो है रचना के बारे में समझते हैं। तो यहां पर हमने लिखा रचना, देखिए एक एक करके मैं आपको पूरा मेहनत के साथ यार बताता हूं, यार आप लोग भी वीडियो को लाइक कर दिया करिए और चैनल को यार सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। तो यहां पर थोड़ा सा इतना आपको करना चाहिए। तो चलिए यहां पर थोड़ा सा इसकी जो है रचना को समझते हैं। देखिए इसमें क्या है, हमने लिखा कि इसमें एक धातु का बड़ा गोला यश्वन दो अचालक स्तंभों व ए व बी पर टीका होता है। मतलब दोस्तों यहां पर ये है, देखिए हमारा जो एक धातु का गोला ये है, हमने इसको अभी नाम नहीं दिया, तो यहां पर आप इसको जो है ये आपका जो गोला है पूरा, इसको आप मान लीजिए कि ये क्या है आपका यश्वन है, जो कि हमने यहां पर दिया है, ठीक है। अब ये क्या होता है, ए और बी दो ये आपके स्तंभ है, ठीक है, इस पर क्या है ये टीका हुआ है, मतलब कि ये जो गोला है ये आपका ए और बी जो स्तंभ है इन पर ये क्या है टीका हुआ है। इसके अलावा यहां पर देखिए टीका होता है या मतलब कि इसी पर जो है रखा रहता है, आप ये भी लिख सकते हैं, अपनी भाषा का थोड़ा सा इस्तेमाल करिए, ये नहीं होता कि बुक में जो लिखा वही आपको करना है। तो इसके बाद है कि तथा इसमें एक रबर अथवा सिल्क की सिराहीन, ठीक है, बेल्ट लगाई जाती है। मतलब यहां पर जो आपका इसमें एक बेल्ट भी लगा है, ठीक है। तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि जो आपका इस प्रकार से मतलब जो यहां पर देखिए अभी जो ये मोटर जो है इसका कार्य कर रहा है, तो एक प्रकार से यह बेल्ट भी यहां पर लगाया होता है, ठीक है। तो वह बेल्ट क्या कार्य करता है, किस प्रकार से मतलब जिससे आप बोलते होंगे पट्टा, ठीक है। तो यहां पर एक टाइप से जो है अपनी भाषा में समझ सकते हैं। तो इसके बाद है कि सिरा हैंड बेल्ट लगाई जाती है जो घिरनियों, यहां पर घिरनियों मतलब कि यहां पर जो एक प्रकार से जो गोल गोल आपको सर्कल दिख रहे हैं, ठीक है, ये दो क्या है घिरनियां हैं, इनको आपको बोल सकते हैं P1 व P2, मतलब हमने नाम दिया पहले आपकी ये क्या होगी P2 होगी एक और एक आपका ये P1 हो गया, मतलब जिसको आपका ये मोटर जो है ये आपको घुमाता है, मतलब जब ये मोटर कार्य करता है तो ये आपका जो है इसमें जो एक बेल्ट लगाया गया है, यह बेल्ट जो है P1 घिरने को जो है घुमाता है और इसी घुमाने के चक्कर में आपका जो ये बेल्ट लगा होता है ये आपका इस दिशा में जो है P2 घिरने को भी घुमा देता है। तो मतलब ये एक प्रकार से यहां पर ये मोटर का कार्य है कि इनको जो है ये घुमाता है। इसके बाद देखिए यहां पर नेक्स्ट समझते हैं, इसके बाद है कि यहां पर बताया गया है कि घिरनियों P1 व P2 द्वारा एक वैद्युत मोटर की सहायता से चलाई जाती है, मतलब कि इससे जो है जो ग्रेनिया है इनको वैद्युत मोटर की सहायता से जो है घुमाया जाता है या चलाया जाता है। इसके बाद है निचला कंघा, कंघा मतलब यहां पर C1 अति उच्च विभव वाले स्रोत DC यानी 10^4 वोल्ट का जो होता है के धन टर्मिनल से तथा ऊपरी सिरा जो C2 है खोखले गोले S के आंतरिक पृष्ठ से जुड़ा रहता है। मतलब यहां पर थोड़ा सा देखिए
ये आपका कह रहा है कि जो पहला कंघा है यहां पर हमने माना कि जो आपका यहां पर ये वाला, ठीक है, तो इसको आप नाम दे दीजिए, यहां पर इसको नाम देंगे हम क्या, C1, ठीक है। और इसी प्रकार से आपका ऊपर एक यहां पर लगा है, तो ये जो आपका लगा हुआ है इसको आप क्या नाम देंगे, तो आप इसे जो है दे सकते हैं C2। तो यहां पर पहला कंघा जो लगा है इसमें कितना आपका विभव होता है, तो 10^4 वोल्ट का अति उच्च विभव जो है इसका यहां से दिया जाता है। जब देखिए ये आपका घूमेगा तो ये आपका बेल्ट भी देखिए जो है आपको ये दिशा दिख रही होगी, ये आपका जो एरो दिख रहा है, ठीक है, इस दिशा में, और इधर से आपका आता हुआ इस दिशा में जाता, मतलब कि ये एरो आपका यहां पर नीचे की तरफ, तो मतलब इस टाइप से ये घूमता है। तो यहां पर देखिए क्या होता है, जब आपका ये पहला जो C1 कंघा है इसमें क्या होता है, ये कंघी जो है यहां से जो है ये मतलब कि क्या होता है, नुकीले टाइप में है, नुकीले टाइप में होती है। तो यहां पर इसमें क्या है, 10^4 वोल्ट का उच्च विभव होता है। तो ऐसे में यहां पर देखिए क्या होगा, तो देखिए इस प्रकार से जो है आप लोग इसको जो है कार्य विधि भी समझ सकते हैं, मतलब यहाँ पर ये तो आपकी एक प्रकार से रचना होगी कि मतलब ये है जो है किस प्रकार से जो है सेट किया जाता है, मतलब इसका जो डायग्राम है वह किस प्रकार से। अब इसके बाद थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कार्य विधि की, ठीक है, तो कार्य विधि को काफी आसान तरीके से समझेंगे। देखिए इसमें होता ये है, इसमें मैंने बताया कि आपका जो ये विद्युत मोटर है, ये आपका जो मोटर है ये इन घिरनियों को घुमाने का कार्य करता है, जो आपका P1 और P2 है, इसमें आपका ये बेल्ट लगाया गया है और जो आपका कंघा C1 है, ठीक है, तो इससे क्या होता है यहाँ से विभव इसमें दिया जाता है, ठीक है, तो ये एक प्रकार से नुकीला होता है। और ऐसे में यहां पर देखिए जो आपका ये बेल्ट है और दोनों क्या धनावेश होता है, तो यहां पर होता है ये कि प्रतिकर्षण क्रिया होती है, और जिससे आपका जो ये आवेश यहां पर आपको जो है जो प्लस प्लस दिख रहा है ये क्या होता है, इसी बेल्ट के साथ जैसे ये घूमता है इसी प्रकार से आवेश भी आपका ऊपर की तरफ स्थानांतरित होता है। अब जैसे ही आपका ऊपर की तरफ ये जाता है तो जो आपका यहां पर S1 गोला है, ठीक है, जो हमने यहां पर बताया कि जो आपका ये बड़ा गोला है इस पे आपका ये जो मतलब कंघी C2 है इसके कारण जो है आपका ये इस पृष्ठ पर जो आवेश है, मतलब जो आपका ये पहले आवेश था प्लस, ये आवेश जो है इस कंघी के कारण, ठीक है, जो आपका C2 है कंघा, इसके कारण जो है आपका इस पूरे पृष्ठ पर जो है स्थानांतरित यानी कि बाहरी पृष्ठ पर जो है चला जाता है। और ये आवेश जब बाहरी पृष्ठ पर जाता है तो इसी प्रकार से मतलब इसमें जो है क्रिया होती है, मतलब ये आवेश जो है लगातार इसमें जो है जाता रहता है और यहां पर एकत्र होकर जो है इसके बाहरी पृष्ठ पर जो है काफी सारा जो है आवेश जो है इसमें स्थानांतरित हो जाता है, यानी कि जो आपका जो S1 पृष्ठ है इस पर जो है आपका जो है उच्च विभव का यहां पर जो है आवेश जो है मतलब अच्छा खासा विभव जो है एकत्र हो जाता है। मतलब देखिए लगातार अगर कोई कार होता है तो वहां पर ये सब होता है, यानी कॉमन चीज है कि आपका आवेश यहां से लगातार जाता रहेगा और इसके पृष्ठ पर जो है एकत्र होता रहता है। तो मतलब यही सारी जो क्रिया इसमें चलती रहती है और बाकी आपका यही कार्य है। तो आपने ये भी समझ लिया कि मतलब ये किसके लिए उपयोग में लाया जाता है, कि इसका मतलब कार्य क्या है, कब बनाया गया, कैसे इसकी संरचना, इसकी थोड़ा सा मैं बात करता हूं सिद्धांत की, मतलब सिद्धांत कैसा है, किस सिद्धांत पर यह कार्य करता है, कैसे क्या, ठीक है, तो थोड़ा सा इसे भी समझ लीजिए, यानी कि देखिए हर एक छोटी छोटी चीज आपको समझना है, कुछ भी आपका जो इसमें छूटना नहीं चाहिए। देखिए सिद्धांत में हम पहला यहां पर लिखे हैं कि किसी आवेशित चालक से वायु में विद्युत विसर्जन उसके नुकीले सिरों के से प्राथमिकता से होता है। मतलब यहां पर वायु में जो है विद्युत विसर्जन हो जाता है, मतलब देखिए मैंने बताया कि जब आपका आवेश यहां पर जो है एकत्र होता है पृष्ठ पर तो क्या होता है काफी ज्यादा आवेश जो है इस पर एकत्र हो जाता है, जो आपका यहां पर प्लस प्लस दिखा तो क्या होता है वायु में स्थानांतरित हो जाता है, यानी तीक्ष्ण क्रिया के कारण जो है वायु में स्थानांतरित हो जाते हैं। तो यह क्यों होता है, मतलब यहां पर जो आपके नुकीले जो कंघे हैं इसी के कारण जो आवेश आपका स्थानांतरित हो रहा है। तो मतलब यहां पर यही है कि किसी आवेशित चालक से वायु में विद्युत विसर्जन उसके नुकीले सिरों से प्राथमिकता से होता है। इसके अलावा दूसरा हमने यहां पर लिखा कि खोखले चालक पर, ठीक है, यहां पर देखिएगा खोखले चालक का आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर विद्यमान होता है। मतलब यहां पर जो आपका ये चालक है जो मैंने बताया S1 इसका जो खोखला एक प्रकार से कहें तो मतलब इसके जो बाहरी पृष्ठ इस पर जो है आवेश जो है स्थानांतरित, ना कि यहां पर अंदर वाले पृष्ठ पर, कहां पर है बाहरी पृष्ठ पर है। तो यही आपका सिद्धांत, मतलब जब ऐसा होगा तभी जो है यह आपका कार्य करेगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आपने देखा कि वान डी ग्राफ जनित क्या है, काफी आसान है, बाकी चित्र को आप समझ सकते हैं। और ये जो चिन्ह होता है क्या होता है पृथ्वी से संबंधित, मतलब DC जो आपका यह है यहां पर जो मतलब किसी इससे आवेश दिया जाता है ये आपका क्या है यहां पर पृथ्वी से संबंधित है। तो इस प्रकार से मतलब आपको समझ लेना है, काफी आसान है। तो मैं उम्मीद करूंगा दोस्तों कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर ना तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए दोस्तों मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।